हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी टायर 3 का एग्जाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं गांधीवादी चरण की, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे हैं, उन 50 के आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि कोई चीज़ें अगर आपको एडवांस में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं या नहीं लग रही हैं, तो उनको नोट कर लीजिएगा और उनका रिविज़न करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। तो 19 में हुई थी? नहीं। 20 में हुई थी? नहीं। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1923 में। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और दूसरा विभाजन कब हुआ था। देखिए, आपसे यहाँ दो क्वेश्चन बने हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 को, किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत के अधिवेशन में हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो आपको बताना है 52 का राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए, दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते या कमीजों के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादियों को नहीं, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को नहीं, खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है। कई दफा यहाँ से जो है क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, कई दफा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था। क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये सही जवाब नहीं है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऐसा भी नहीं था। कांग्रेस बड़े सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, क्योंकि जिन्ना सांप्रदायिक दंगों पर अड़ गए थे। उनका कहना था कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में एक सांप्रदायिक दंगा हो, जिसके आधार पर बहुत बड़ी जो है जनता मृत्यु के कगार में चली जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इसको स्वीकार किया था। तो आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी। 1919 में जो क्रूर अत्याचार हुआ था, उसके विरोध के रूप में सर की उपाधि किसने लौटाई थी, आपको बताना है। तो सर की उपाधि लौटाने वाले आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। देखिए, ये 56 है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी थे, क्या थे गांधी, आपसे पूछ रहा है, आपको इसका जवाब देना है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके फटाक से मुझे बताइए, उस समय गांधी क्या थे, बताइए। क्या कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे कि नहीं थे, बताइए जल्दी से मुझे। तो गांधी जो है वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं थे, ये कह रहा है थे, तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 57 पर। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो लॉर्ड कर्जन है, ये बंगाल विभाजन के समय था, और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका कौन था? चेम्सफोर्ड। अगर आपसे पूछे लॉर्ड कैनिंग, तो ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको 58 का राइट जवाब पता हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आपको जवाब देना है, 59 का जवाब देना है। मोतीलाल नेहरू ने किया था? नहीं, इन्हीं की तो रिपोर्ट थी, तो ये कैसे करेंगे? तो किसने किया था? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने कहा था कि हमें स्वराज चाहिए, तो 60 का राइट जवाब आपका क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू, आप ऐसे अनुमान लगाइएगा कि ज़्यादातर ये कहां से रिलेट करते हैं, इलाहाबाद से, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए 61 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके तहत उन्होंने घोषणा किया था? आपको 61 का राइट जवाब देना है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं कि सभी भाइयों को क्या इसका आंसर आता है कि नहीं। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, आपको इसका जवाब देना है, दीजिए। तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बात हुई थी? नहीं, यहाँ से तो शुरुआत हो रही थी। क्या भारत सरकार कानून जो आया था 1858 में लॉर्ड कैनिंग के समय, जिस समय 1 नवंबर को 1858 को इलाहाबाद राष्ट्रीय राजधानी बनी थी? नहीं, इस समय भी नहीं था। क्रिप्स मिशन 1942 में, ये तो बहुत बाद की घटना, ये भी नहीं है। अगस्त, जो अगस्त घोषणा 1917 में हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं, करा चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये वही घटना है असहयोग आंदोलन के दौरान, जिनमें 22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। आपको बताना है कि ये स्थान कहाँ है, तो ये आपका गोरखपुर में पड़ता है, और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, कह रहा है कि किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट जवाब होगा, जब जाग उठेगा, जाग जवाहर जाग, ऐसे ट्रिक बनाइएगा, जाग जवाहर जाग, तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं, हु लिप्स इन इंडिया डाइस किसकी उक्ति है? 64 का आपको राइट जवाब देना है, महात्मा गांधी की है? नहीं, तो किसकी रचना है ये? ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की रचना। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, क्रिप्सलिन, ऐसा याद रखिएगा, क्रिप्सलिन, तो आपको याद हो जाएगा, क्रिप्सलिन अर्थात लॉर्ड लिनलिथगो था उस समय। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं, करा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? केवल एक बार बने हैं, वो भी 1924 में बने हैं। ठीक है, बेलगांव की अध्यक्षता उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, तो कितनी बार बने हैं? एक बार बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 67 का राइट जवाब होगा,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सर्वे सर्वा तो महात्मा गांधी थे, ये तो शामिल ही होंगे, अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो कौन नहीं शामिल होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सहयोगी थे तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू भी सहयोगी थे तो रहेंगे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर आपके सही हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं हुए थे, याद रखिएगा। उनका कहना था कि जब शत्रु हमारे सामने खड़ा है तो हमें ऐसी घटिया हरकतें नहीं करना चाहिए, अर्थात जो जर्मनी और जापान ये दोनों हमारे उत्तर पूर्वी हिस्से से आगे की तरफ बढ़ रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दिया था बी आर अम्बेडकर ने। 69 कह रहा है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, तो फिर कौन था मेरे भैया? जी बी कृपलानी थे या सरदार पटेल थे? बताइए 69 का राइट जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए तो मैं जानूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इन दो में से आपको जवाब देना है जे बी कृपलानी या सरदार पटेल, बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, 10 सेकंड के अंदर आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए इसका, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। तो इसका राइट जवाब होगा जे बी कृपलानी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने, और जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस योजना के तहत किया था? माउंट वेटन योजना के तहत किया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, 71 का राइट जवाब देना है, जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, गलत होगा। साबरमती आश्रम में थे, गलत होगा। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 72, कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? आपको बताना है, क्या नवजीवन था? नहीं, नवजीवन तो नहीं था। इंडियन ओपिनियन, इन्होंने एक समाचार पत्र या पत्रिका जिसको हम लोग कह सकते हैं शुरू किया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। हरिजन भी इन्हीं का है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौता किया था? आपको बताना है। 74 का राइट जवाब दीजिए, किसके साथ गांधी ने समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे आगे चल के हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो 74 का राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक आपसे पूछ रहा है तो वो आपके महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। कहाँ अक्टूबर, क्वेश्चन नंबर 76, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? 76 का राइट जवाब देना है सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। 77 पर चलते हैं, घटनाओं को क्रम से सेट करना है और राइट जवाब देना है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। अब आपको जवाब देना है 77 का क्या होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ,
फिर गांधी इरविन समझौता हुआ और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया, जिसको लेकर के गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों क्रम से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी, आपको बताना है। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये भी जानते रहिएगा। अब उद्देश्य क्या था इसका, आपको कमेंट करके बताना है। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए। इसके विरोध का कारण था, इसको आना था 1929 में, लेकिन ये आ गया था 27 में, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय चुनाव होने वाला था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, सूची एक है पुस्तक और सूची दो है रचयिता, और आपको बताना है क्या कूट है। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए 79 के, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ, और कूट दिखाने के बाद हम फिर चलेंगे ऑप्शन पर। चलिए जल्दी से देख लीजिए, चलते हैं फिर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलाते हैं। कह रहा है, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, याद रखिएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी एम एन रॉय की पुस्तक है। वेक अप इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी इन्वेसेंट की पुस्तक है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, बीपी मेनन की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने मिला दिया है, आप ऑप्शन में जा करके चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, चलिए बताइए 80 का राइट जवाब क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चेम्बरलिन, चर्चिल, इटली, मैकडोनाल्ड। सभी ऑप्शन एकदम क्लोज में रख के दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आपको बताना है 80 का राइट जवाब क्या होगा। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस ट्रिक को पकड़ लिए तो शायद इसका ऑप्शन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की क्या थी, बहुत ज़्यादा चर्चा थी, तो बस ऐसे याद रखिएगा इसकी चर्चा थी, अर्थात उस समय जो भारत में जो इनको छोड़ना था भारत, उसको रखते हुए इंग्लैंड में क्या थी, बहुत चर्चा थी, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ने के लिए इंग्लैंड में बहुत चर्चा थी, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। कह रहा 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आपको 81 का राइट जवाब देना है। तो देखिए दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। देखिए जो बटलर कमेटी है ये साइमन कमीशन के अंतर्गत बनाई गई थी। किसके अंतर्गत बनाई गई थी, साइमन कमीशन के अंतर्गत बनाई गई थी। इसका काम क्या था, क्या भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ये काम था इसका, बताइए। 83 का राइट जवाब दीजिए, तो नहीं ये नहीं था। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, नहीं ये भी नहीं था। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ये भी नहीं था। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में सुधार लाना और उनके जो भी व्यवहार है, जो भी बातचीत है, उनका अध्ययन करके रिपोर्ट देना था बटलर कमेटी को। ठीक है, चलिए एक कमेटी और बनी थी इसके दौरान, हार्टोक कमेटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, 84 का राइट जवाब आपको देना है। तो 84 का राइट जवाब क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, आपको बताना है। बी आर अम्बेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। देखिए मुख्य रूप से इसमें जो ये उपज थी, या कह सकते हैं मुख्य रूप से जो इसमें माइंड सेटअप था, वो था महात्मा गांधी का, लेकिन ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू भी गलत है, अंबेडकर भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। कारण बताता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी को ये चीज़ साफ पता थी
कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे तो जो अंग्रेज हैं वो हमारे पीछे पड़ेंगे। और हुआ भी यही, जैसे ही इसकी घोषणा होती है उसी समय रात्रि के समय जो है अंग्रेजों ने जितने प्रमुख नेता थे उनको कैद कर लिया। इसलिए गांधी जी ने जब यह आंदोलन शुरू किया तो ये कहा था जनता का आंदोलन जनता के द्वारा चलाया जाएगा और नारा दे दिया करो या मरो। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक जो है नारा दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, याद कर लीजिएगा, करो या मरो का जो है नारा गांधी जी ने दे दिया और कहा ये जनता का आंदोलन है और जनता ही इसकी लीडर है, इसमें जो है नेतृत्वकर्ता भी जनता ही रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो वो आपके महात्मा गांधी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं, करा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? आपको 86 का राइट जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, बताइए 86 का राइट जवाब क्या होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व इसकी नियुक्ति हो गई थी, देखिए एक तो ये था ही था लेकिन मुख्य कारण आपसे पूछा, सभी कारण नहीं पूछा, देखिए मुख्य कारण पूछ रहा, इस शब्द को पकड़िए, ये तो था ही, सभी सदस्य अंग्रेज थे, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और सभी के सभी इसमें अंग्रेज थे, इसका सबसे प्रमुख कारण विरोध का यही बना, क्योंकि जिस कमीशन को भारत की आगे की राजनीति का भविष्य तय करना था, जब उसमें कोई भारतीय ही नहीं शामिल है तो उसका विरोध करना लाजमी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, इसीलिए इसका जमकर के विरोध भी हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं, कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था, किसके तहत किया गया था? याद रखिएगा दो बार 19 आ जाएगा तो बस वही आपका राइट जवाब है, 1919 दो बार है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड 1919 के द्वारा आपका राइट जवाब हो जाएगा, तो 88 का राइट जवाब आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अगस्त घोषणा कब हुई थी मॉन्टेग्यू के समय? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम जिन्ना के समय। ठीक है, हमने मिला दिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा जो आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपको बताना है मुख्य भूमिका में कहाँ थे वो, क्या दांडी मार्च में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिए दांडी मार्च में उन्होंने मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी, बिजौलिया आंदोलन में भी नहीं निभाई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने ही निभाई थी, बारदोली सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई दफा कई एग्जामों में बना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और किसने कहा था कि यह उनके लिए सबसे सही तरीका है? तो महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? आपको 92 का राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए 92 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका आलेख बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था। 93 का राइट जवाब आपका बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं, करा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं। 95 करा किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये किसका सुझाव था, राजगोपालचारी का था? नहीं, तो किसका था, ये जो है आपका महात्मा गांधी का सुझाव था, किसका था, महात्मा गांधी का। 96 पर चलते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, लेकिन गांधी जी ने इसमें जो है आगे चल करके कहा कि जो है पट्टाभि सीतारमैया की हार मेरी हार है, इस बात को लेकर के फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, याद रखिएगा ये भी। तो 96 का राइट जवाब आपका क्या होगा, त्रिपुरी कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइए। त्रिपुरी आपकी जबलपुर में है, कहाँ है, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब लौटे थे आपको बताना है, कमेंट करके फटाक से 97 का राइट जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। 97 का राइट जवाब दीजिए, इसको तो सभी को पता होना चाहिए कब लौटे थे, 1915 में। और इसीलिए हम लोग जो है इनके आने की खुशी में अप्रवासी भारतीय दिवस की प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं ये सबसे जानना चाहता हूँ जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो प्रवासी दिवस मनाते हैं कि अप्रवासी दिवस मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो याद रखिएगा वो बस जवाहरलाल नेहरू ही थे, कौन था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कथन। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा ठीक है। तो 99 का आपका राइट जवाब बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं, इंकलाब का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा इसे इंकलाब और इसे इकबाल, तो किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा ठीक है, कौन दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसी के साथ आज की वीडियो को यही हम लोग रोकते हैं, कल की वीडियो में 50 क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको और देखने को मिल गए ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करवाएंगे हम एक वीडियो में, ना करवाने के पीछे कारण है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि ठीक नहीं रहेगा, आप देखने में भी परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो जो है वो 50-50 क्वेश्चन की रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगी और आप सभी को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।